जनता दल यूनाइटेड में लगातार जो है जनता दरबार चल रहा है और जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं वो हर दिन कार्यालय पहुंचते हैं और यहां फरियादियों से मुलाकात होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं श्रवण कुमार और जयंत राज दोनों यहां पहुंचे हुए हैं और फरियादियों से जो है मुलाकात हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, उनसे बात करेंगे आज। सर, लगातार आप लोग का जनता दरबार लग रहा है, किस तरह की समस्या आ रही है? हर प्रकार की समस्या आती है और हर विभाग के मंत्री अलग अलग डेट में बैठते हैं, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। सप्ताह में 4 दिन बैठते हैं तो जिस विभाग से संबंधित मंत्री जिस दिन बैठते हैं उस दिन उनके विभाग से संबंधित समस्या भी आती है और कुछ जनरल समस्या भी लेके लोग चले आते हैं, तो उसका भी हम लोग निदान करने की कोशिश करते हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इसका जांच करके विधि सम्मत नियम संगत कार्रवाई करें। तो आज तो प्रशासनिक मामले भी आए हैं, आज पुलिस से संबंधित मामले भी आए हैं, आज नौकरी से संबंधित भी मामले आए हैं, तो इस प्रकार के मामले आज आए हैं, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग का एक भी मामला आज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी वादों को लेकर के आप लोगों को घेरते हैं, वो कहते हैं कि जो चुनाव में वादा किया गया था वो एनडीए की सरकार ने पूरा नहीं किया। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है हम लोगों ने जो वादा किया है बिहार की जनता के साथ, जो कमिटमेंट किया है वो उसको एक एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं, उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो कहते हैं नीतीश कुमार कभी अकेले दम पर चुनाव लड़के देख ले, वो तो बैसाखी का सहारा लेते हैं। वो कहाँ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग तो एनडीए है तो एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव पहले घोषणा कर दे रहे हैं। पहले घोषणा न होती है कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, वही तो ईपीओ बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चुनाव मैदान में उतरते हैं और उसका फलाफल मिलता है। तो देखिए, जयंत राज भी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। सर, 2 उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि महागठबंधन कभी उपचुनाव नहीं हारता। ऐसा कभी हुआ है कि कोई दल चुनाव नहीं हारता है, कोई दल चुनाव नहीं जीतता है? चुनाव तो लड़ता है सब। पहले ही अगर कोई कह देगा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए जो है चुनाव हम लोग 2 जगह पे हम लोगों का परंपरागत सीट रहा है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रोजगार बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार आप लोग पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस वक्त कई वादे किए गए लेकिन वादों को पूरा नहीं। रोजगार का जहाँ तक मामला है, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में पेपर और पत्र के माध्यम से पढ़ा होगा, समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा होगा, केवल ग्रामीण कार्य विभाग इतना रोजगार देने जा रहा है। हर विभाग रोजगार देने के लिए तैयारी कर रहा है, ग्रामीण कार्य विभाग इतना ज़्यादा रोजगार देने जा रहा है जो आज तक ग्रामीण कार्य विभाग का उतना स्ट्रेंथ भी नहीं था, उससे ज़्यादा रोजगार आज ग्रामीण कार्य विभाग की वैकेंसी निकल रही है और अस्थायी वैकेंसी निकल रही है। चलिए देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं जयंत राज और श्रवण कुमार, दोनों आज फरियादियों से मिल रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं एनडीए की सरकार पर। चुनावी जो वादे किए गए थे उसको लेकर के, या कह सकते हैं उपचुनाव होने हैं बिहार में उसको लेकर के, ये तमाम मुद्दों पर देखिए जवाब दे रहे थे बिहार सरकार के मंत्री। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, नमस्कार।